अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निविश और आप देख रहे हैं एन स्टार स्टाइल द पर्सनल स्टाइलिश चैनल, पाकिस्तान फर्स्ट पर्सनल स्टाइलिंग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रेवल आउटफिट आइडियाज़ के हवाले से, कि वेकेशन के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे। आउटफिट किस तरह पहुँचे, आउटफिट आइडियाज़ के हवाले से। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं, लाइक आप नॉर्दर्न एरियाज में विज़िट करने का, ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं, या आप जो है अब्रॉड का आपका इरादा है, अगर आपको जाना है तो जिस मुकाम की सैर के लिए आप जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि वहाँ का आबो हवा, वहाँ का मौसम, उसकी कम्प्लीट नॉलेज जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी करनी होगी। क्योंकि ये ना हो कि वहाँ का मौसम सर्द तरीन हो और आप, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम नॉर्मल रहता है तो आपने नॉर्मल वेदर के अकॉर्डिंग ही अपनी ड्रेसिंग रखी हो, तो जिस जगह आप जा रहे हैं मेक श्योर करें कि वहाँ के जो है वेदर के बारे में आपको जो है कंप्लीट नॉलेज हो, उसके हिसाब से ही आपको अपनी जो है वो तैयारी करनी है। और उसके अलावा ड्रेसिंग भी आपको ऐसी ही करनी है, अपनी एसेसरीज, अपनी हर चीज़ आपको उसी के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ हम कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ जो आपके ट्रैवल को ज़्यादा इन्जॉयफुल बना सकेंगी। तो टिप नंबर हमारी ये ड्रेसिंग से रिलेटेड कि आप ड्यूरिंग ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा कपड़े रखने से गुरेज करें, क्योंकि सामान, आपने ये मशहूर बात सुनी होगी, सामान जितना कम होगा और सफ़र करने का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा कपड़े अपने साथ ना रखें, तो उसकी वजह से कि तो इंसान जो है वो परेशानी में आ जाता है इतने सारे कपड़ों को कैरी करना, फिर उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या पहनें। तो ये आप ट्रैवल के लिए अपना इरादा रखते हैं, अपने सामान रखते हैं, तो उसको इस तरह से सेट करें कि जो आपका जो बैग है वो इस तरह से हो कि उसमें जो है कपड़े बिल्कुल हिसाब से हों। जिससे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ बेसिक कलर्स के जो है वो ड्रेसेस अपने साथ रख सकते हैं, लाइक शर्ट हो गई, आपके ट्राउजर्स हो गए, तो कुछ बेसिक कलर होते हैं लाइक वाइट हो गया, ब्लैक है, स्किन है, ग्रे है, तो ये कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप डिफरेंट वे से जो है वो पेयर अप कर सकते हैं। तो ये अच्छे भी मालूम होते हैं और ये बहुत, अगर आपने उस वेदर के अकॉर्डिंग रखें तो कंफर्टेबल भी आपको फील करवाएंगे। तो बेसिक कलर जो है वो होने बहुत ज़रूरी हैं आपके ड्रेसिंग में। इसके अलावा बात करेंगे कि जीन्स वगैरह की, अगर आप जीन्स वगैरह नॉर्मली पहनी जाती है, पहनते ही वेयर करते हैं, तो जीन्स अगर आपको लेनी है तो आप ही कोशिश करें कि आप जो है वो जीन्स वगैरह को लेना पाकिस्तान से ही ले लें, क्योंकि अगर आप बाहर किसी, लाइक आप यूरोप में, आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री से अगर आप जाके उसी ब्रांड की भी अगर जीन्स लेते हैं तो वो प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, करेंसी या अदर करेंसी में डिफरेंस होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो मेक श्योर कर लें कि अगर आपको जीन्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी हैं तो वो आप जो है वो अपने पाकिस्तान से ही लेकर जाएं। थर्ड जो टिप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है शूज़ सिलेक्शन। जो है आपको शूज़ सिलेक्शन जो है वो बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। ट्रैवल करने जाता है इंसान तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, उसमें बहुत ज़्यादा वॉक भी करता है इंसान, तो साथ अगर आपको सेल्फीज़ वगैरह बनानी है या वीडियोज़ बनानी है कुछ, इसमें आपको एक अच्छा सा लुक भी क्रिएट करना है अपना, तो आप उसमें एक सैंडल या एक हील इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, वो आप रख सकते हैं। वो भी अगर आप कहीं हैं तो आपने वो सेल्फीज़ वगैरह बनाने के लिए या वीडियो वगैरह बनाने के लिए अपने आपने उसको रख लेना है। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर जब हम सैर करने के लिए जाते हैं, विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो हम जो है वो ज़्यादा वॉक करने की, आप ज़्यादा वॉक करके चीज़ों का अच्छा एक्सप्लोर करते हैं, आप काफ़ी टाइम तक आपको चलना होता है, तो उसके लिए जो है वो आप जो है स्नीकर्स या जॉगर्स वगैरह रख सकते हैं। इसमें क्या होता है वो कम्फर्टेबल फील करवाते हैं आपको, थकावट भी नहीं होती, सनलाइट जो होती है डायरेक्ट वो आपकी स्किन को बर्न कर देते, तो आप इससे महफूज हो जाते हैं और जो है वो कोई ज़ख्म वगैरह से महफूज हो जाते हैं, तो आप जो है वो महफूज रहते हैं। हम बात करेंगे ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के बारे में ऐसे कोई नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने साथ एक आध एयर रिंग या कुछ आप लाइक वॉच वगैरह आप ले सकते हैं या ब्रेसलेट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं,
लेकिन अगर जैसे बाहर जा रहे हैं तो इंसान ऐसा तो नहीं है वहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे, वहाँ से कुछ ट्रेडिशंस होती हैं चीज़ें, अगर हम कहीं बाहर हैं वहाँ का ट्रेडिशन है, हमें वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमें वो भी अच्छा लगता है, वो साथ मैचिंग करके आप वो जो है वो पहन सकते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी रखने से भी अवॉइड कीजिए, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो लेके भी उस वक्त जो है उसको पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छा भी आपको फील होता है कि आपने किसी जगह गए हैं वहाँ के जो है उनका ट्रेडिशन होगा उनका, तो आप उनके हिसाब से पहन रहे तो वो भी आपको जो है एक अच्छा फील करवाने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा जो है आप अपनी चीज़ों को जितना सिलेक्टिव रखेंगे, जितना कम रखेंगे, उतना ही आप जो है पुरसुकून तरीके से सफ़र कर सकेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो रिगार्डिंग ट्रेवल आउटफिट आइडियाज़ के हवाले से। ये आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ब्लेस्ड।